सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि की इन खूबसूरत वादियों से। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और धूप अभी अभी निकली है। आज है सावन महीने का लास्ट सोमवार और आज मैं जा रही हूँ अपने गांव के मंदिर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि कभी अपने गाँव के मंदिर का दर्शन भी करवा दीजिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, मैं अपने गांव के मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूंगी जितनी मुझे ज्ञात है। मंदिर जाने के लिए मुझे अपने घर से नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि मंदिर रोड के नज़दीक है और हमारा घर थोड़ा ऊपर चढ़ाई पे है। सबसे पहले मैं मंदिर में स्थित कुंडों के बारे में आपको बताती हूँ। मंदिर के प्रांगण में जाते ही सबसे पहले ये है ब्रह्मकुंड और यहाँ पे स्नान किया जाता है इस धारे पे। ब्रह्मकुंड के बगल पे ही है रुद्रकुंड और रुद्रकुंड में भी स्नान किया जाता है। रुद्रकुंड के बगल में ही है विष्णुकुंड और विष्णुकुंड के पानी का आचमन किया जाता है और यह आंतरिक शुद्धि के लिए होता है। विष्णुकुंड के बगल में है नारद कुंड और यहाँ पे जौ के आटे के पिंड बनाए जाते हैं और पिंडदान किया जाता है। सबसे ऊपर है यहाँ पे सरस्वती कुंड और यहाँ पे जौ और तिल के द्वारा पितृ तर्पण किया जाता है। मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे है महालक्ष्य यज्ञ कुंड और ये यज्ञ कुंड सिर्फ यज्ञ के समय ही खोला जाता है। ये ऊपर का जो पत्थर है उसको यज्ञ के टाइम खोल दिया जाता है। महालक्ष्य यज्ञ कुंड में महायज्ञ होता है और 108 ब्राह्मणों के द्वारा 18 दिन का यज्ञ होता है। यहाँ पे जो यज्ञ होता है वो विशेष तिथि और अर्ध शताब्दी के अंतराल में होता है। ये तो रहे मंदिर के बाहर के कुंड जो सभी लोगों को दिखते हैं और दो गुप्त कुंड है यहाँ पे, एक है अमृत कुंड और दूसरा है सूरज कुंड। जो अमृत कुंड है उसके जल से भगवान का स्नान किया जाता है और जो सूरज कुंड है उसके जल से भगवान के लिए भोग तैयार किया जाता है। अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। यहाँ पे मंदिर के अंदर है अखंड ध्वनि और इसकी अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह से ही ये अग्नि प्रज्वलित है। ये जो अग्नि है वो ऋषि मुनियों के द्वारा मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित की गई है। इसमें नित्य संविदा और यज्ञ किया जाता है और गांव वालों के द्वारा इस अखंड ध्वनि को निरंतर प्रज्वलित रखा जाता है। इसकी विभूति ही यहां का मुख्य प्रसाद है। इस ध्वनि को प्रज्वलित रखने के लिए एक परिवार की जिम्मेदारी 3 दिन तक रहती है। मंदिर के सामने वाले प्रांगण में पंचनाम देवता है, एक एक करके मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। मंदिर के सामने वाले दरवाजे पे है गणेश भगवान और मच्छेंद्र नाथ जी की मूर्ति। गणेश भगवान मंदिर के रखवाले माने जाते हैं और मच्छेंद्र नाथ भी। मच्छेंद्र नाथ हैं मंदिर के वीर। यहाँ पर अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है। अन्नपूर्णा माता को भी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। यहाँ पे है ईशानेश्वर महादेव जी का मंदिर। जब मंदिर की स्थापना हुई तो ईशान कोण में भगवान रुद्र की स्थापना हुई तो इसीलिए इसका नाम ईशानेश्वर महादेव पड़ा। अब मैं आपको ईशान कोण के बारे में बता देती हूँ। जो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा होती है उसको ईशान कोण कहते हैं। ये सब मंदिर में आ रखे हैं। तुम मंदिर में आई के दड़े ही तू नानी दड़ी। मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे है अर्धनारेश्वर मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर के ऊपर साइड पे है यहाँ पे बजरंग बली जी का मंदिर। जय बजरंग बली। बजरंग बली के मंदिर के बगल में है यहाँ पे धुनी सागर। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जो लिंग है वो भस्मी के अंदर है। यहाँ पे है तुलसी माता जी, यह सदाबहार तुलसी है। मंदिर प्रांगण में ये है पंचनाम देवता और एक धुनी सागर। अब मैं आपको मंदिर के दूसरी साइड ले जाती हूँ। यहाँ पर है धर्मशिला और यहीं पे तीर्थ पूजन किया जाता है। यदि कोई यहाँ शादी करता है तो यहीं पे कन्यादान किया जाता है। इसी स्थान पे राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था। यहाँ पे गाय का दान किया जाता है और ये है गाय बांधने की खूंटी। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था तो इसी खूंटी पे राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री को 125,000 गायों का दान किया था। जब कोई भी यहाँ पे शादी करता है तो विवाह मंडप यहीं धर्मशिला में सजा रहता है और उसके बाद जो फेरे होते हैं वो अंदर धुनी के होते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी
शिव पार्वती की युगल मूर्ति है। ये जो युगल मूर्ति है वो पत्थर पे उकेरी गई है और ये मूर्ति प्राचीन समय से यहीं पे स्थापित है। यहाँ पे एक मूर्ति है, इसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी शेषनाग पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये है भोग मंडी और यहीं पे भगवान के लिए भोग तैयार किया जाता है। आज भोग की बारी इनकी है, इसलिए ये बर्तन को लीप रहे हैं और ये थोड़ा सा लकड़ी लेके भी आए हैं। भोग तैयार करने के लिए भी प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी रहती है। एक परिवार की बारी 3 दिन तक रहती है और जब उस परिवार की बारी समाप्त हो जाती है तो दूसरे परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है। अंदर का जो चूल्हा चौका है जिसकी बारी रहती है वही करता है और बर्तन मांजने तक उसी की ड्यूटी रहती है। मंदिर के ऊपर में गरुड़ ध्वज है क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता देती हूँ कि ये किस भगवान का मंदिर है। तो ये भगवान विष्णु के वामन अवतार का मंदिर है और यहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था। सतयुग के अंतिम चरण में माता अदिति के गर्भ से यहाँ पर भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार हुआ था। वामन भगवान ने जब महादानी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान करने के लिए कहा तो तभी से यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण पड़ा। राजा बलि ने पहले पग में मृत्युलोक दिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक दिया। जब तीसरे पग की बारी आई तो कोई भी जगह बची नहीं थी, तब राजा बलि ने अपना सर रख दिया तो वामन भगवान ने अपना पैर राजा बलि के सर पे रख दिया और उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। राजा हिमाचल ने यहाँ पर अपने कुल देवता भगवान विष्णु का मंदिर बनाया। राजा हिमाचल जी के घर में माता पार्वती का पुनर्जन्म हुआ। पहले जन्म में दक्ष की पुत्री जो सती के नाम से हरिद्वार कनखल में हवन कुंड में भस्म हुई थी, पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इनका नाम पार्वती पड़ा। त्रेता युग के अंत में भगवान नारायण को साक्षी मानकर भगवान शंकर जी के साथ राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह संस्कार कर दिया। मंदिर के अंदर के दर्शन में आपको नहीं करवा पाई क्योंकि वहाँ फोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। मंदिर के अंदर जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। बीच में त्रियुगी नारायण भगवान की मूर्ति है, दाहिने साइड में डोले में लक्ष्मी माता जी हैं, बाएं भाग में सरस्वती माता जी हैं और पीछे क्षेत्रपाल, कुबेर, मच्छेंद्रनाथ, बद्री नारायण, रामचंद्र, सत्यनारायण, बड़ी चतुर्भुज मूर्ति और भगवान विष्णु का अखंड दीपक है। ये जो त्रियुगी नारायण मंदिर है वो विश्व भर में शिव पार्वती विवाह स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। यदि आप इस त्रियुगी नारायण मंदिर में अपनी शादी करना चाहते हैं या शादी के बाद यहाँ पे फिर से फेरे लेने चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, आपको पूरी व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे आपको रहने के लिए अच्छे अच्छे लॉज और कॉटेज मिल जाएंगे। यदि आप इस त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, आप उस आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। अभी हमने मंदिर में पूजा कर ली है, हमको काफ़ी टाइम हो गया मंदिर में, लगभग 1-2 घंटे हो गए हैं और वीडियो भी पूरी शूट हो गई है। मेरे साथ मदद की है ज्योति प्रकाश ने और इसका भी एक ब्लॉगिंग चैनल है ज्योति प्रकाश ब्लॉग नाम से, आप उसके चैनल पर भी जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ बोलना चाहेंगे? सभी को शेयर कीजिए, सभी की वीडियो देखते रहिए आप भी। हाँ। और ऐसे ही हम उत्तराखंड के इन रीति रिवाजों को आपको जरूर दिखाएंगे, इन संस्कृति को दिखाएंगे। अभी मैं एक छोटे से टीन सेट पे बैठ रखी हूँ और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं अलमारियाँ। इन अलमारियों में हैं बही खाते, दिखाती मैं आपको कैसे होते हैं बही खाते। ये बहुत पुरानी बही खाता है। बही खाता का मतलब होता है आपका एक रिकॉर्ड, मतलब जितने भी यात्री आते हैं उनका नाम पता सब इन बही खातों में लिखा रहता है। ये बही खाते लगभग 100 साल पुरानी हैं। इन सभी अलमारियों के अंदर भी बही खाते हैं और जितने भी और अलमारियां हैं यहाँ पे उनके अंदर भी बही खाते हैं। जब ये पुरानी हो जाती हैं और फट जाती हैं तब उनको नहीं बही खाते में उतारते हैं। एक होते हैं तीर्थ पुरोहित और एक होते हैं कुल पुरोहित। जब आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो आपको अपने तीर्थ पुरोहित मिल जाते हैं। हमारे गाँव के जितने भी पंडित लोग हैं उनकी एक समिति बना रखी है और उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने अलग अलग पंडितों को अलग अलग राज्य बांट रखे हैं और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अपने तीर्थ पुरोहित मिल जाएंगे क्योंकि एक सुचारू रूप से व्यवस्था बनी हुई है। एक बही खाता ये है, इसमें कानपुर, गोरखपुर और बहुत सारे राज्यों के, अलवर, राजस्थान का पूरा जिक्र है। चाहे आप भारत के किसी कोने से भी हैं, अगर आपके पूर्वज यहाँ आए होंगे तो आपको उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप इस मंदिर में शादी करते हैं तो आपको शादी इसी मंदिर के तीर्थ पुरोहित से करवानी पड़ेगी और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको कुछ भी दक्षिणा दे सकते हैं।
ऐसा जोर जबरदस्ती वाला कुछ नहीं है कि आपको इतना देना ही देना है। जब शादियों का सीजन आएगा तो आप यहाँ पे शादी करवा सकते हैं। आज तो मंदिर में बहुत समय बिता दिया, तो अब घर चलते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।